एक 15 साल का भाई अपने पापा से कहा, पापा पापा, दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजा जी ने फोन पर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले एक अच्छे घर में तय हुई थी। दीन दयाल जी पहले से ही उदास बैठे थे। वो धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फोन आया था कि वो एक दो दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले, दहेज के बारे में आपसे ज़रूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से ये अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज़्यादा हो कि मैं पूरी नहीं कर पाया, तो कहते कहते उनकी आंखें भर आई। घर के प्रत्येक सदस्य के मन व चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लड़की भी उदास हो गई। खैर, अगले दिन समधिन आए, उनकी खूब आवभगत की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़की के पिता से कहा, दीनदयाल जी, अब काम की बात हो जाए। दीनदयाल जी की धड़कन बढ़ गई। बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी दीनदयाल जी की ओर खसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, दीनदयाल जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। दीनदयाल जी हाथ जोड़ते हुए आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे मैं पूरी कोशिश करूँगा। समधी जी ने धीरे से दीनदयाल जी का हाथ अपने हाथों से दबाते हुए बस इतना ही कहा, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या न भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज़्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है, पर कर्ज लेकर आप एक रुपया भी दहेज मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं। क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसे कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को दोगुना कर देगी। दीनदयाल जी हैरान हो गए, उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और शिक्षाप्रद कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद।